देश के कई राज्यों में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं पन्ना में बारिश नहीं होने से शहर में बने तालाब सूख की कगार पर हैं, जिसकी वजह से शहर में लगातार पानी की समस्या बढ़ती जा रही है और लोगों को मजबूरी में गंदा पानी पीना पड़ रहा है। पाइप से निकलता ये गंदा पानी पन्ना के लोगों के लिए एकमात्र साधन है, जिसका इस्तेमाल खाना बनाने से लेकर पीने तक में किया जाता है। इस पानी को इस्तेमाल करना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन पानी की किल्लत की वजह से लोगों को मजबूरी में गंदा पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये गंदा पानी हम लोग पीते हैं। क्यों? अब हम लोग के इधर नल नहीं है, नहीं कुछ है, ना हेड पंप, तो हम लोग चाहते हम लोग के इधर पानी की सुविधा हो, नल लगवा। ये पानी कहाँ से आता है? ये टंकी से आता है, जो सप्लाई होता है, खराब वाला। हाँ। अब जरा इन सूखे तालाबों की तस्वीरों को भी देख लीजिए, जिसमें पानी ना मात्र का ही रह गया है, और अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो ये पानी भी खत्म हो जाएगा। दरअसल पन्ना जिला आज भी पानी के लिए इन तालाबों पर ही निर्भर है, लेकिन बारिश ना होने की वजह से तालाबों में लगातार पानी कम हो रहा है और शहर में पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है। पीने के लिए जो पानी है वो भी लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। पेयजल की जो समस्या है वो दिनों ब दिन बढ़ती जा रही है, और अगर इसी प्रकार स्थिति रही जैसे कि तालाब अभी खाली है, तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं पन्ना नगर में कितना भयानक जल संकट उत्पन्न होगा। रोज घर की महिलाओं और बच्चों को पानी के लिए इसी तरह वर्जिश करनी पड़ती है, लेकिन इसके बाद भी इन्हें मिलता है टंकियों से निकलने वाला गंदा पानी। लोगों को पानी की दिक्कत है, हम लोग यहाँ पर आते हैं, ऊपर जो नल का गंदा पानी आता है उसको भर के ले जाते हैं। सब लोग यहाँ का भरते हैं पानी, पानी की कोई भी है ही नहीं है व्यवस्था यहाँ पर, ना नल है ना कुआ है। शहर में पानी की किल्लत तो नगर पालिका के अधिकारी दूर नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से लोगों को टंकी से निकलने वाले पानी को इस्तेमाल न करने की नसीहत जरूर दे रहे हैं। पन्ना की जो अधिकतम वाटर सप्लाई है वो यहाँ के प्राचीन तालाबों से होती है। लीकेज के संबंध में उनको समझाइश देना पड़ेगी कि हमारी जो वाटर सप्लाई के ओवर टैंक कंप्लीट हो गए हैं, लोगों को समझाया जाएगा कि ये पीने में इसका उपयोग ना करें। देश के कई राज्यों में बारिश ने अपना कहर बरपा रखा है, तो वही दूसरी तरफ पन्ना के लोगों को बारिश का इंतजार है, जिससे सूखे तालाब पानी से लबालब भर सके और उन्हें पीने लायक पानी नसीब हो सके। पन्ना से विकास सेन, टीम नेशन टुडे।